What's up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome to Unwired. और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1,15,000 रुपए का पीसी बिल्ड. और सबसे मजे की बात यह है कि इस पीसी बिल्ड के लिए हमें कहीं जाने की नीड नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये मेरा अपना पीसी है जो कि इस वक्त है यहाँ पर. आप देख सकते हैं कैबिनेट बहुत अच्छा नहीं है. मैं एक पुराने कैबिनेट के साथ गया हूँ, क्योंकि 1,15,000 के जो बाकी कंपोनेंट्स थे उन्हीं की कॉस्ट हो गई थी. तो कैबिनेट में मैंने खर्चा नहीं किया है, पुराना से कैबिनेट है. बट कोई बात नहीं यार, मैं काम चला लूंगा. ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है वो पीसी. जोक्स अपार्ट, मैं आप सबको कंपोनेंट्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर सब कुछ फिट हो चुका है. और इसलिए मेरे पास हैं उन कंपोनेंट्स के बॉक्सेस. अरे मेरा मुंह छुप गया. मेरे पास है उन कंपोनेंट्स के बॉक्सेस. इन सभी कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस मैं आपको बताता जाऊंगा वीडियो में. सो अगर आपका भी बजट है 1,15,000 रुपए के आसपास और आप बनवाना चाहते हैं गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी, सो प्लीज जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है. अगर आप 2019 के शुरुआत में भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू वासव फ्रॉम इंडियन सोल्जर 1 और अभिषेक फ्रॉम टेक ड्रीम्स. इन दोनों ही भाइयों ने बहुत हेल्प करी है, बहुत खून पसीना बहाया है इस पीसी बिल्ड को बनाने में. अमंग द कंपोनेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द हार्ट ऑफ दिस पीसी, जो कि है राइजन 7 2700X. ये AMD की तरफ से सेकंड जनरेशन CPUs है. इसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 3.7 GHz एंड यू कैन ओवरक्लॉक इट अप टू 4.3 GHz. इसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स हैं, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं इंटेल i7 प्रोसेसर्स के साथ नहीं गया हूं. व्हेन इट कम्स टू शेयर गेमिंग, अगर आपने सिर्फ गेमिंग करनी है अपने पीसी में, तो देयर इज नो डाउट कि इंटेल से बेटर और कुछ नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू अदर टास्क सच एज वीडियो रेंडरिंग, और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आपको एक अच्छे कोर्स अच्छे थ्रेड्स वाले सीपीयू के साथ ही जाना चाहिए, जो कि AMD Ryzen देता है. इस प्रोसेसर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके साथ आने वाला ये रेथ प्रिज्म कूलर. आप देख सकते हो इस पूरे केस में सिवाय इस कूलर के और कहीं भी RGB नहीं है, और फिर भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये. ऑनलाइन साइट पे आपको इसका प्राइस 32,000 के आसपास मिल जाएगा. वहीं ऑफलाइन मार्केट की बात करूं तो 30,000 to 30,500 के आसपास आपको मिल जाएगा. बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की, और मदरबोर्ड जो मैंने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो है MSI की तरफ से B450 Mortar Titanium Edition. MSI के साथ क्यों गया? क्योंकि मुझे इसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम पसंद है. और 450 के साथ क्यों गया? क्योंकि इसमें जो BIOS आते हैं वो सेकंड जनरेशन Ryzen CPUs के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अपडेटेड आते हैं. इसमें नॉर्मल USB 3 पोर्ट्स के अलावा एक USB-C पोर्ट भी मिल जाता है, जो इसको फ्यूचर प्रूफ बनाता है. प्राइस की बात करूं तो ऑनलाइन स्टोर्स में आपको इसका प्राइस 12,500 के आसपास मिलेगा. वहीं ऑफलाइन स्टोर्स में 11,500 के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा. जो ग्राफिक कार्ड मैंने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो है Zotac की तरफ से आने वाला 1070 mini. ये 8GB DDR5 RAM के साथ आता है, और किसी भी AAA टाइटल में 1080p 60 सेटिंग्स पे आपको इजीली अबव 100 फ्रेम रेट्स दे देगा. और अगर मैं बात करूं क्वाड HD या फिर अल्ट्रा HD गेमिंग की, तो किसी भी मॉडर्न टाइटल में ये इजीली आपको 60 फ्रेम्स के आसपास सॉलिड फ्रेम रेट दे देगा. ऑनलाइन स्टोर्स में आपको इसका प्राइस मिल जाएगा 35,000 के आसपास, एंड ऑफलाइन स्टोर्स की तो यार पूछो ही मत, इतने ज्यादा हाइक चल रहे हैं प्राइसेस में ग्राफिक कार्ड के मामले में. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन स्टोर से ही लो. रैम की बात करूं तो मैंने यहां पर यूज करी है Zscaler की तरफ से आने वाली Ripjaws रैम, जो कि 3200 MHz पर क्लॉक्ड है, और 8GB की 2.6 यूज करी है, यानी कि टोटल ऑफ 16GB. मैं 3000 MHz के साथ भी जा सकता था और उसका प्राइस मुझे 100-200 रुपए कम ही पड़ता, बट उसकी कलर स्कीम थी रेड और मुझे चाहिए थी ब्लैक एंड व्हाइट. सो नाउ यू नो कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम, और अगर इसके लिए मुझे 400-500 रुपए फालतू खर्चने पड़े तो आई कैन स्पेंड. ऑनलाइन मार्केट्स में आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा लगभग 9,500 के आसपास, और ऑफलाइन मार्केट्स में आपको इसका प्राइस मिल जाएगा 8,500 से 9,000 के बीच में. बात करते हैं स्टोरेज की, और स्टोरेज के लिए मैंने यूज करी है सैमसंग की तरफ से आने वाली 860 EVO 250GB कैपेसिटी वाली SSD. इसकी रीड स्पीड है 550 MBPS और राइट स्पीड है 520 MBPS. मैंने इसमें कोई भी हार्ड डिस्क नहीं यूज करी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप पीसी पड़ा है, तो अगर मुझे स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसकी हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ. बट इन केस अगर आपके पास एक बैकअप पीसी नहीं है और ये सिर्फ एक इकलौता पीसी होने वाला है आपका, तो आई विल एडवाइज यू कि आप WD की ब्लू 1TB भी इसमें इंस्टॉल करवा लो. ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा प्राइस का, और
स्टोरेज अच्छी खासी मिल जाएगी आपको। प्राइस की बात करूं तो ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन मार्केट दोनों ही जगह पर इसका प्राइस लगभग 4,500 रुपए है, आप कहीं से भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप WD की ब्लू 1 TB भी लेना चाहते हो उसका प्राइस भी सिमिलर ही है, 3,200 रुपए के आसपास। इन सब पार्ट्स में जान फूकने वाला यंत्र है ये, यानी कि पावर सप्लाई, और इसमें कभी भी कंजूसी मत करना भाई और बहनों। और मैंने जो इसमें पावर सप्लाई यूज करी है वो है एनटेक की तरफ से आने वाली नियो इको 80 प्लस ब्रॉन्ज सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई। अब सेमी मॉड्यूलर का मतलब ये होता है कि आपको इसके साथ कुछ अलग से वायर्स मिल जाएंगी, सारी की सारी वायर्स इसके अंदर अटैच नहीं होंगी सिवाय इसके पावर कॉर्ड के। सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई ट्रेडिशनल पावर सप्लाई की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है, जहां ट्रेडिशनल पावर सप्लाई में आपको सारी की सारी केबल इसके साथ अटैच मिलती है और जो नहीं चाहिए होती है वो भी आपके CPU में गंदे तरीके से लटकती रहती है, वहीं सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाईज में आपको पावर कॉर्ड के अलावा कोई भी और वायर अटैच नहीं मिलती, इस तरीके से साथ में मिलती है और जो भी कंपोनेंट आप लगाना चाहते हो सिर्फ उसकी वायर लगाओ और बाकी सबकी रहने दो। ऑनलाइन मार्केट्स में आपको इसका प्राइस मिल जाएगा 5,500 से 6,000 के आसपास, वहीं अगर आप ऑफलाइन स्टोर में लेने जाओगे तो 5,000 तक इजीली मिल जाएगा। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मैंने फिट किए हैं फैंटेक की तरफ से आने वाले एक्लिप्स P300 केस में, जो कि इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल केस तो है ही, इसके साइड में टेम्पर्ड ग्लास है जो कि इजीली ना ही क्रैक होगा ना ही स्क्रैच होगा। साथ ही साथ ये एक मिड टॉवर केस है जिसमें ATX, माइक्रो ATX और मिनी ATX तीनों तरीके के मदरबोर्ड आ जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इसकी ये LED स्ट्रिप जो यहाँ पर साइड में दी गई है, और इसके ऊपर पावर बटन में भी वो LED सेम ब्लिंक होती है, यानी कि आप कलर स्कीम दोनों में सिंक कर सकते हो। LED सिंक करने का जो बटन है वो इसके टॉप पर दिया हुआ है जस्ट बिसाइड द पावर बटन। इन दोनों बटन के अलावा इसके टॉप पर है 2 USB 3 स्लॉट्स, एक माइक्रोफोन जैक और एक हेडफोन जैक। केस के टॉप पर एक मैग्नेटिक पैड भी दिया हुआ है जो कि डस्ट फिल्टर का काम करता है। इस पूरे ब्लैक केस में सामने की तरफ जो व्हाइट ग्रिल्स हैं ये इसके लुक्स को और एनहांस कर देती हैं। प्राइस की बात करूं तो ऑनलाइन स्टोर्स में तो मुझे ये प्रोडक्ट देखने को नहीं मिला है, मेरे को ये नेहरू प्लेस से ही लेना पड़ा, और अगर आपको भी लेना है तो किसी ऑफलाइन स्टोर से ही लेना पड़ेगा। Amazon पे जो फैंटेक के प्रोडक्ट स्टार्ट है वो है अराउंड 15,000 की रेंज से, जबकि इसका प्राइस मुझे पड़ा है लगभग 7,000 रुपए। सो दिस इज इट गाइज, ये था मेरा 1,15,000 रुपए के बजट का PC बिल्ड जो कि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है, जिसमें मैं करता हूँ वीडियो एडिटिंग और साथ साथ हाई एंड गेमिंग विद हाई फ्रेम रेट्स एंड हाई रेजोल्यूशन। अगर आपकी भी नीड्स सिमिलर हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज इस स्पेसिफिकेशन के साथ जाओ, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी बॉटलनेक नहीं करेगी, ना ही गेमिंग में ना ही आपके अदर टास्क्स में। इन सब कंपोनेंट्स के बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वहीं से जाकर लो, चैनल को थोड़ी सी कमीशन थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। पर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आसपास की ऑफलाइन मार्केट्स में इनका प्राइस ट्राई कर लें, आप आराम से 5,000 से 6,000 रुपए बचा लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, जो भी बंदा यहाँ से सब्सक्राइब किए बिना चला जाता है वीडियो देखकर उसको श्राप लगता है, उसके घर में सांप निकलता है लंबा वाला काले रंग का। जोक्स अपार्ट गाइस, मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरीके का ऑसम कंटेंट लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ हम इस चैनल पर ढेर सारी गेम्स की लाइव स्ट्रीम भी करते हैं डेली, दिन में 2 बारी। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों को स्कूल भेजने की फीस लगती है पर यहाँ पर सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।